Exercise 9.1 question 16. The angles of elevation of the top of a tower from two points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. तो एक टावर की बात हो रही है, ठीक है, ये मान लीजिए ग्राउंड लेवल जहां पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं स्ट्रेट लाइन में हैं. ये जो दो पॉइंट है ये 4 मीटर डिस्टेंस और 9 मीटर डिस्टेंस बेस ऑफ द टावर से, यानी ये बेस ऑफ द टावर, ठीक है, फुट ऑफ द टावर से, ठीक है, ये टॉप हो गए और जो दो पॉइंट्स है 4 मीटर और 9 मीटर. तो आइदर आप एक साइड में बना ले दोनों पॉइंट्स को या फिर टावर के दोनों तरफ बना ले, किसी भी स्थिति में आपको स्ट्रेट लाइन में वो रखना है. तो हम एक ही साइड पे बना लेते हैं. ये मान लीजिए कि 4 मीटर पर ये पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट जो है वो Q 9 मीटर, यानी ये जो डिस्टेंस है ये है 4 मीटर, ठीक है, और जो दूसरा डिस्टेंस दिया गया है वो है 9 मीटर, ओके, बेस ऑफ द टावर से. अब एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है इन दोनों पॉइंट्स से, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे. यानी सबसे पहला काम करेंगे इन दो पॉइंट से इस टॉप ऑफ द टावर को मिला लें, ओके. ये मैंने पॉइंट्स को मिला लिया, अब जो एंगल बन रहा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. कौन से दो एंगल? पहला एंगल है ये, इसे मान लेते हैं थीटा, ठीक. अगर ये थीटा है तो ये दूसरा वाला एंगल, एंगल टी क्यू एफ, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा थीटा से, ठीक है. इसका मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उनको कहा जाता है अगर उन दो एंगल्स को जोड़ दें तो 90 डिग्री हमें रिजल्ट्स मिलता है, ठीक है. तो थीटा और 90 माइनस थीटा को अगर जोड़ दें तो आपको 90 डिग्री मिलेगा. ये हमारे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सेशंस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया गया. अगर आपने नहीं देखा है तो उसे एक बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो ये एंगल हो गया थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा. अब इन दोनों एंगल्स को यूज़ करके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को निकाल कर हमें प्रूफ करना है कि जो हाइट ऑफ द टावर है वो 6 मीटर है. ये जो टी एफ है टावर, इसकी हाइट है 6 मीटर, ये हमें प्रूफ करना है. तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को एक बार कलेक्ट करके लिख लें. टी एफ जो है वो है टावर, ठीक है, पी और क्यू दो पॉइंट्स है, टू पॉइंट्स, ओके. डिस्टेंस, हूज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एफ यानी फुट ऑफ द टावर आर 4 मीटर एंड 9 मीटर्स, ठीक है, ये हो गया. और जो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है वो कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है? एंगल टी पी एफ इज इक्वल टू थीटा, तो एंगल टी क्यू एफ इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ठीक है. ये दो एलिवेशन एंगल है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, और साथ में ये लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर, ठीक है. अब दो राइट एंगल ट्राइंगल्स है, एंगल टी पी एफ और एंगल टी क्यू एफ, ठीक है, ये 90 डिग्री है. तो एंगल टी पी एफ में सबसे पहले टैन थीटा लगाएंगे. टैन थीटा इज इक्वल टू टी एफ यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. बेस क्या है? एफ पी, ठीक है. तो टेन थीटा की वैल्यू हो गई. टी एफ की वैल्यू हमें पता करनी है तो इसे रहने देंगे और एफ पी की जगह पे 4 मीटर्स है तो यहाँ 4 लिख लेंगे, ठीक है. अब दूसरे ट्रायंगल पर आते हैं, एंगल टी क्यू एफ में. दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को और सारे नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. वापस टेन थीटा लगाएंगे. टेन 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा ये बेस एंगल पर है, ठीक है. तो टेन 90 माइनस थीटा हो गया, परपेंडिकुलर यानी टी एफ डिवाइड बाई बेस. उस ट्राइंगल का बेस है एफ क्यू, ठीक है, तो इसे एफ क्यू यहाँ लिख लेंगे. तो टेन 90 माइनस थीटा है, आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि टेन 90 माइनस थीटा इज सेम एज कॉट थीटा, ठीक है. तो कॉट थीटा इज इक्वल टू टी एफ बाई एफ क्यू, एफ क्यू के जगह पे 9, तो हमने ये 9 लिख दिया. अभी आप देख रहे हैं कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है. तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ठीक है. और दूसरा चीज़ आप ये भी जानते हैं कि कॉट जो होता है वो टेन का रिवर्स होता है, ठीक है,
यानी रेसिप्रोकल, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हमें TF चाहिए, हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो tan थीटा और cot थीटा को कैंसिल करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो मल्टीप्लाइंग 1 और 2, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगी tan थीटा इंटू cot थीटा, और राइट हैंड साइड में TF/4 इंटू TF/9। ठीक है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बन गया 1, और ये बन गया TF² / 9 × 4, इसे 4 × 9 ही रहने दें। ठीक है, अब चाहे तो TF² = 4 × 9 लिख कर स्क्वायर रूट ले लें, तो TF बन जाता है, ठीक है, 2 × 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 9 करेंगे तो 4 से 2 निकलेगा और 9 से 3। ठीक है, और हमेशा जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पॉजिटिव केस ही लेंगे, बिकॉज TF cannot be negative, TF is a height। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेकिंग द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ TF। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 3 इज नथिंग बट 6 meters। तो 6 meter प्रूफ हो गई कि हाइट ऑफ द टावर है। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया होगा और हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपको इतना पता चल गया होगा जो 15th और 16th क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो थोड़े डिफरेंट है। तो उनको कैसे डिफरेंट बनाया गया है, 15th वाले क्वेश्चन में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लेकर क्वेश्चन को बनाया गया था, और 16th वाले क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो कि यूज़ नहीं हुए थे बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, तो वो भी यूज़ लाया गया। ठीक है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, ये कॉन्सेप्ट, और जो tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के पुराने सेशंस में हमने वीडियोस में डिस्कस किए हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि क्वेश्चंस को हार्ड तभी बनाया जा सकता है जब 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स एक साथ टेस्ट किए जाए, तो वैसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ये 15 और 16 थोड़ा यूनिक इस सेंस में थे। होपफुली यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन टू बोथ दिस क्वेश्चंस। सो गाइस, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।